नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल दे में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को 887 दिन हो गए चुके हैं। इस बीच बुधवार को 8 सितंबर को केंद्र सरकार ने रबी के आगामी सीजन के लिए फसलों का समर्थन मूल्य यानी MSP को बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने गेहूं की जो सरसों मसूर जैसी फसलों के दाम बढ़ाने की बात की। इस फैसले के बावजूद किसान संगठनों ने सरकार के इस ऐलान को धोखा करार दिया है। उनका कहना है कि ये बढ़ोतरी बहुत ही कम है और इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। आइए पूरे मामले की इन्फ्लेशन यानी महंगाई से जोड़कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ट्वीट बता देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने MSP बढ़ाने के ऊपर ट्वीट किया था। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितना परसेंट बढ़ा, कॉन्सेशन में कितना बढ़ा और कितनी महंगाई हुई। पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। सबसे पहले हम किसान नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट बताते हैं। किसान भाइयों और बहनों के हित में सरकार ने आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए सभी रबी फसलों पर MSP बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे, वहीं कई प्रकार की फसलों को बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। अब आगे की जानकारी हम बताते हैं। तिलहन को 8.6% तक की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट में कहा था कि सरकार ने रबी फसलों की MSP पर बढ़ोतरी कर किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा था, हम आपको आप इसके बाद बता देते हैं कि कितना कितना बढ़ा हुआ है। किसान भाइयों, वीडियो में हम आपको जैसे दिखा रहे हैं MSP फॉर ऑल रबी क्रॉप ऑफ मार्केटिंग सेशन 2022-23 में जो जितना इंक्रीज हुआ है वो वीडियो में आपको शो हो रहा है। 2015 में 2021-22 में 1975 था, जो अब 2022-23 के लिए 2015 कर दिया गया है। तो इस तरीके के सभी 5-6 फसलों की MSP सरकार ने बढ़ाई थी। तो अब इसके आगे हम बताते हैं कितनी महंगाई हुई और कितनी MSP हमारी फसलों पे बढ़ी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फैसला इस बात का सबूत है कि सरकार MSP सिस्टम को लेकर प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक 2022-23 के आगामी सीजन के लिए गेहूँ के उत्पादन की लागत 1008 रुपये प्रति क्विंटल होगी, जिसका मतलब है कि 2015 रुपये का नया MSP तय किए जाने के से किसानों को 100% रिटर्न मिलेगा। रैपसीड और सरसों के लिए MSP में 400 रुपये प्रति क्विंटल यानी 6.8% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का दावा है कि इसमें भी किसान 100% रिटर्न मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। मसूर दाल में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी यानी करीब 7.8% की बढ़ोतरी हुई है। किसान भाइयों, किसान संगठनों ने कहा क्रूर मजाक। हालांकि किसान संगठनों का मामला है कि MSP की इस बढ़ोतरी की महंगाई की दर से जोड़कर देखें तो असल में किसानों को नुकसान होगा। अब आपके इसके बाद हम बता देते हैं, योगेंद्र पटेल जी ने ट्वीट किया था कि किसान के साथ मोदी जी ने एक और क्रूर मजाक किया है। मोदी सरकार ने गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर सिर्फ 2.03 की वृद्धि की है, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है बढ़ोतरी है, जबकि महंगाई को बढ़ने की दर 5-6% अनुमानित है। किसान भाइयों, जैसे हिस्टोलॉजिकल लोएस्ट MSP पर इंक्रीज ऑफ बीट ऑफ इन 12 साल का आपको रिकॉर्ड निकाल के दिखा रहे हैं कि कितने परसेंट कौन से ईयर में बढ़ा है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2012-13 में 1285 रुपये रेट MSP सरकार ने तय किया था, 9.83% हुआ था। इसके अलावा 5-6-3 और 6.5-4.5 और 2, और अभी 2022-23 का देखा जाए तो 2015 रुपये हुआ है, यानी 2.03% ही इंक्रीज़ हुआ है। तो इसीलिए किसान है उनका कहना है कि ये सरकार कूट मजाक किया है किसानों के साथ। अब आगे की जानकारी हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कंटेंट्स एंड प्रोसेस CACP भारत सरकार की कृषि मंत्रालय से जुड़ी संस्था है। इसके आंकड़ों पर गौर करें तो योगेंद्र यादव का दावा सही लगता है। 2012-13 में MSP में सबसे ज़्यादा 8.83% बढ़ोतरी की गई थी। आंकड़े बताते हैं कि इस बार की गई 2.03% की बढ़ोतरी पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है, लेकिन ये बात सिर्फ गेहूँ के लिए ही लागू होती है। जहाँ तक सरसों का और मसूर का सवाल है तो आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। सरसों की MSP पिछले साल 5.3% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इस साल 8.3% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मसूर में पिछले साल 6% बढ़ोतरी हुई थी, जो इस साल 7.84% रही। अगर इस बढ़ोतरी को भारत के इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर से साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ नज़र आती है। 2011 में 2021 तक महंगाई की दर औसतन
6.0% रही है। 2013 के नवंबर में महंगाई की दर सबसे ज़्यादा 12.17% थी और 2017 के जून में 1.54% के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गई थी। अगर जुलाई 2021 की महंगाई की देखें तो 5.6% है। ऐसे में महंगाई दर के नज़रिए से किसान संगठनों के दावे कुछ सच्चाई नज़र आती है। वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, जो जानकारी हमने एकत्र की है किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। नमस्कार।